उसको सबकी वीडियो बनानी चाहिए अगर वो यूट्यूबर है तो। अगर वो फर्जी है तो वो एक की वीडियो बनाएगा, अगर वो फर्जी है। अगर कोई अच्छा यूट्यूबर होगा तो वो जितने मेले में सेटअप आ रहे हैं सबकी वीडियो बनाएगा। ऐसे ही है ना, और मुझे महसूस हो रहा कि आपको जबरदस्ती उठा के लाया गया। ऐसा महसूस हो रहा आपकी आंखें नींद में बता रहे कि अभी आपको पूरे होश में आए नहीं हो। ऐसी लग रहा। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बस सब बढ़िया भैया। तो वीडियो स्टार्ट हुई थी और अपने सब्सक्राइबर हर जगह मिल जाते हैं, मैं अपने हमेशा कहता हूँ अपने सब्सक्राइबर हर जगह मिल जाते हैं। तो मैं चलते चलते आ गया हूँ, एक वीडियो आपने अभी कुछ ही समय पहले मैंने अपलोड की जो डीजे अमर की करी है, और दूसरी कड़ी में मैं पहुंच जाता हूँ शिव गुज्जर मुबारकपुर वाला जो है, ये किला रोड पे जो है, और आपने कुछ समय पहले मेरे एक ब्लॉग में देखा भी था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ घर गया था, तो उस टाइम मेरे साथ अनुज भाई धड़कन डीजे वाले अनुज भाई, वो भी मेरे साथ इनके घर तक गए थे। तो यहीं पर अपने निक्की भाई है और मिल लेते हैं। निक्की भाई क्या हाल चाल है? निक्की भाई सेटअप तो बड़ा सुंदर बांध रखा है, बहुत सुंदर सेटअप बांध रखा है, और अगर मैं बात करूँ तो सही से लाइनर और टॉप की सेटिंग भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठा रखी है आपने, और सीआरबी भी बहुत अच्छे से, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना करीने से लगाने वाली बात है, तो उस हिसाब से आपने बिल्कुल बढ़िया लगा रखी है। के लिए आए हैं, कोई वैसा ना जी पैसों वैसों पे, सब निक्की भाई के लिए है। निक्की भाई के लिए आए हो, प्यार मोहब्बत है ये दोनों, बिल्कुल नहीं। निक्की भाई की नेचर, नेचर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्यारी नेचर है, जिसे एक बार कह दिया तो शायद अपना बना ही लिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में कहाँ से बुक है? नंद नगरी से। तो नंद नगरी से बुक है, और हाँ फिर तो ठीक है, आप लोगों के लिए दिल्ली निकलना बिल्कुल जायज बनता है आज। बिल्कुल जी 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 जी। तो यहाँ आए कब फिर? हम 21 में आ गए थे सुबह। 21 में आ गए थे, और सेटअप कितनी जल्दी बांध दिया था आपने? सेटअप तो उस दिन से लगी रहे हैं, काम बहुत था सेटअप पे, लगी रही है उस दिन से निपटाया सुबह। अच्छा अभी निपटा है। तो जैसे ही अभी आप लोगों ने देखा था, तो क्या आप यहीं पे खड़े हो या पहले पीछे खड़े थे टोल पे? टोल पे गए थे, फिर सीधे यहीं आए। तो यहाँ आने का क्या मतलब है जब टोल पे पीछे खड़े थे? वहाँ पर जगह नहीं थी, भीड़ बहुत थी। एक तरफ सेटअप तैयार करे, पुलिस प्रशासन के हटाने से पहले निकल आए थे या पुलिस प्रशासन के हटाने का? पहले ही आ गए थे। हाँ, क्योंकि बाद में पुलिस ने वहाँ से जबरदस्ती लोगों को हटा दिया था, जाम लग रहा था, सारे लोग परेशान थे, तो पुलिस ने वहाँ से सब लोगों को हटा दिया था। अच्छा ये वाली पहाड़ जी जी जी। तो दोस्तों अगर मैं अभी दिखाता हूँ उधर चल के, तो पूरी की पूरी पार्टी जो विशाल झांकी वाली कावड़ होती है ना, जो जिसको खींच के चलते हैं, और ये रथ टाइप होती है, तो इस टाइप की दिल्ली में कल्चर चलता है, और दिल्ली का ट्रेंड भी ज्यादातर यही है, वो लोग पहिया वाली ही लेके जाते हैं। पार्टी को भी बुला लो तो ज्यादा अच्छा है, उनसे दो बातें हो जाएंगी। ये मेरे बड़े भाई हैं जी जी, राम राम जी। तो दोस्त फौज में है वो, आपने ये कैसे है? या गर्मी, ये गर्मी की वजह से? नहीं मैंने कहा हो सकता है छुट्टी पे आया है, कभी शौक चढ़े है लंबे बाल है, कभी शौक चढ़े है गंजे का। अच्छा गंजे का, वैसे वैसे सही बताऊं तो स्मार्ट लग रहे हो। बिल्कुल ना, स्मार्ट तो है वैसे। हाँ स्मार्ट तो है, हाँ स्मार्ट हो तभी तो लग रहे हो। भैया का मारेगा पड़ेगा, नहीं भैया ने सेटअप तैयार करा। तो जैसे आप लोगों की मैं देख रहा हूँ कि झांकी वाली विशाल कावड़ है दिल्ली की, ज्यादातर यही ट्रेंड चलता है, दिल्ली वाले इसी टाइप की कावड़ लेके आते हैं। तो आप लोगों ने जो जल लेके आए हो, सब पर्सनली जल लेके आए हो या एक जो कैन होती है वो? मतलब एक मेन भी लेके आए होंगे, बाकी सब अपना पर्सनल भी लेके आए होंगे। तो वो जो पर्सनल जल है वो सब इस कावड़ के पे रख के ही जाएगा या सब लोग अपना अपना पर्सनल उठा के भी चलेंगे? वो रख के ही जाएगा, रख के ही जाएगा जी, किसी का नाम नहीं लिखा गया, ये इसका ही है। सेम कैन बना ली होंगी आप लोगों ने, सेम कैन ले ली होंगी, ऐसे ही है ना। और मुझे महसूस हो रहा कि आपको जबरदस्ती उठा के लाया गया। ऐसा महसूस हो रहा आपकी आंखें नींद में बता रहे कि अभी आपको पूरे होश में आए नहीं हो। सही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही लग रहा देखने से। कोई बात नहीं, हो गया भाई का, बाकी भाई से बात कर लेते हैं। तो दोस्त आप लोग दिल्ली नंद नगरी से है ना जी, तो ये आपकी कौन सी कावड़ होगी? तीसरी कावड़ है। तो तीनों बार आपकी इसी तरह से झांकी लेके आते हैं या? जी अलग 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 सेटअप लाते हैं, अलग अलग सेटअप लाते हैं। आपका फाउंडेशन फ्रेम यही रहता है, ऐसी होगा ना, एक बार बना लिया दादाले पोते वाला काम कर लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल। तो इसको ले जाने के बाद आप ये मंदिर पे खड़े करते हैं या किसी पर्सनल घर में खड़ा कर लेते हैं? मंदिर। तो दोस्तों ये था शिव डीजे, था नहीं मतलब है शिव डीजे मुबारकपुर वाला, और ये जा रहा शिव डीजे दिल्ली, और
जैसे निक्कू भाई की हम बताते हैं, निक्कू भाई आदत में बहुत बढ़िया है, तो डीजे भी बहुत बढ़िया है। एक का छज्जा गिरा दिया, एक का छज्जा ही गिरा दिया, अब क्या मकान गिरवा दिया। क्यों निक्कू भाई कहाँ चले गए हमारे, भग गए? हाँ वो छज्जा गिरा दिया इसलिए भग गए। तुम मकान गिराने की बात कर रहे हो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये छज्जा गिराने की बात कर रहे हैं, इस बार मकान गिरा देंगे निक्कू भाई दिल्ली में जा करके। मकान तो गिरेंगे अगली बार, अगली बार मकान गिरेंगे, मकान गिरेंगे, कुछ लोगों के अबकी गली भी चोरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पार्टी, तो पार्टी की तो हमारी बात हो गई है, पार्टी तो सेटिस्फाई है। अब साथ वालों से और पूछ लेते हैं, क्योंकि साथ वाले ज्यादा सही बता सकते हैं, क्योंकि यारी दोस्ती है तो सही, बिल्कुल सही बता सकते हैं। तो साथ इनसे पूछ लेते हैं, खोल के खुश कह के गए नुक जी, अभी तक बेहतरीन डीजे बज रहा और अभी 5 मिनट बाद जलवा दिखाई देंगे, फिर आगे पूरी कांवर पट्टी दिल्ली जाना और लोग देख लेंगे कैसा बज रहा कैसा नहीं। वो तो रस्ते में बजता जाएगा तो सबको पता लग जाएगा बज कैसा रहा, रिजल्ट अपने आप सड़क पे दिखता है, बताने की जरूरत न पड़ती, लोग देख लें अपने आप जब बजा डीजे। वो तो करो, रिजल्ट सड़क पे दिखता है, कांवड़ यात्रा एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट सड़क पे दिखता है। यूट्यूबरों को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई वीडियो बनाता है तो वीडियो दोनों तरफ की बनाए, एक साइड की ना तो वीडियो बनाए, और अगर एक आदमी के साथ लग के कोई भी हो या यूट्यूबर हो या कोई भी हो, अगर वो ये सोचता हो कि वो उसका ही मालिक है या उसकी वो है, तो उसको ये गलत फहमी है, उसको सबकी वीडियो बनानी चाहिए। अगर वो यूट्यूबर है तो, अगर वो फर्जी है तो वो एक की वीडियो बनाएगा, अगर वो फर्जी है। अगर कोई अच्छा यूट्यूबर होगा तो वो जितने मेले में सेटअप आ रहे हैं सबकी वीडियो बनाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे की बनाओ, लेकिन सबकी बनाओ, अगर एक की मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूबर का काम देखो, समझने वाला समझ गया होगा ये किसके लिए है। लोग बता देंगे, लोगों की आवाज बता देगी डीजे कैसा, डीजे की आवाज कैसी। हम अपनी जुबान से क्या कहें, हर अपना आदमी अपने डीजे की बड़ाई करे, हम लोगों से बड़ाई करवाओगे। अभी अभी हमारे निक्की भाई ने मेले में बढ़ना शुरू की, अभी तो स्टार्टिंग है जी, अभी आने वाले अगले साल से भी बड़ा सेटअप आओगा। इस बार भी हमारे ट्रोला निक्की भाई का बुक होता, लेकिन टाटा पहले ही बुक हो चुकी थी, इसलिए ट्रोला नहीं आ पाया। अगली साल अगर भोले बाबा ऐसे ही आशीर्वाद निक्की भाई को देंगे तो अगली साल ट्रोला भी ना। ऑपरेटर ऑपरेटर भाई आ गए, ये हमारे ऑपरेटर, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है जी, और बाकी मेले में दिखा देगा ये क्या है। तो जल्दी से एक बार लगा दो, 2005 लगा दो, जल्दी से लगा दो।